3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का, तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से समझ लो जिन्होंने मूछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। चाहे वो वाल्मीकि समाज के, चाहे धानक समाज के, चाहे वो अदर कम्युनिटी, चमार समाज, जाटव समाज हो गए, सब एक है, एक मुट्ठी हमारी बंद है। तो बेहतर है इनके लिए ऐसी चाले चल के हमारा तापमान टेस्ट मत करो, और तुम हर स्ट्रेटजी में हमारे आगे फेल हो गए विद फुल गारंटी। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट अगर ये लोग हैं, पहले अपना क्रीमी लेयर छोड़ो, पहले ये जो जज मठाधीश वहां बैठे हैं, जो आके रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो सरकार के अंदर दलाल बैठे हैं भाजपा के अंदर, मैं कहती हूँ जितने सांसद बैठे हैं जो दलित समाज से वहां गए हैं, पहले इनको बोलो, जो थपथपाते हो क्रीमी लेयर के ऊपर समर्थन करते हो, अपनी कुर्सी छोड़ो और अनारक्षित सीटों से लड़के दिखाओ, बोलो हम क्रीमी लेयर हैं, हम अब एससी वर्ग के एससी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, एसटी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम अब अनारक्षित सीटों से लड़ेंगे। औकात एक दिन के अंदर समझ नहीं आएगी ना, पार्टी थप्पड़ मार के ऐसा निकालेगी ना, भगाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और जब तक ये कंधे और जब तक सांसें हैं हमेशा जागरूक करेंगे ऐसे ही समाज। क्रीमी लेयर कहां लागू हो रही है, सरकार ने मना तो कर दिया। भाई लागू नहीं हो रही, यही हमने कहा, तापमान टेस्ट करना है आपका, लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके हिसाब से, लेकिन सब कर दिया अंदर से लागू। तो ऐसे क्रीमी लेयर आप कह रहे नहीं हो रहा, फिर तो लेटरल एंट्री से ले आता है, ये अगर नहीं बोलते हम जैसे लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री से ला के अभी 45 कर दिए होते। 45 में से अगर आप उसमें रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो करते तो 13 सीटें जाती ओबीसी की, 6 जाती एससी को, 3 जाती उसमें से एसटी को, तो होता ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, 21 जाती जनरल को। हम क्या लेते, हम तो सब बांट के खा रहे हैं, तुम तो अकेला इतना इतना खा रहे हो। और मैं हमें कहते हैं नॉट फाउंड सूटेबल, हमारे अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो मैं आज आपको ये चीज बता दूं, जितने सरकारी कर्मचारी है ना, आज लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती ना, कहते नहीं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, प्राइवेट में प्राइवेट कर दो सब चीजों को, प्राइवेट वाले काम करेंगे, तो सरकारी में कौन बैठे हैं, सारे आपके ही तो बैठे हैं। एससी एसटी कहां है सरकारी में, ओबीसी कहां है इतना सरकारी में, तो इसका मतलब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे ना, हम तो मेहनत कश हम काम कर रहे हैं, और हमें अब अपना हक छीनना आता है। 90% निकम्मे हैं क्या वो? मैंने निकम्मे नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। सरकार तो कह रही है ना, सरकार कह रही है ना, सरकार कह रही है, मैं मानती हूँ, मैं कह रही हूँ उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल हमारे अंदर है, टैलेंट हमारे अंदर है, मैं इस चीज को कह रही हूँ, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर अगर पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, तो आओ ना एग्जाम देके, हमारे आपको आरक्षण पर सवाल है, आओ ना एग्जाम देके, दो एग्जाम पास करो अपनी मेहनत से, तुम्हें भी तो मिल गया ना ईडब्ल्यूएस, 50% से ज्यादा आरक्षण लेके घूम रहे हो ना भाई, हमने थोड़ी कहा अभी आरक्षण का सवाल नहीं है। एक सेकंड ध्यान से सुनना इस बात को, 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का, तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली। हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। और 100% आरक्षण की मांग अब हम करेंगे, पूरा का पूरा आरक्षण हमें, और अगर इनको जस्टिस चाहिए, और ये बहुत हितैषी है हमारे समाज के, तो इनको मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए इनको बहुत दर्द है ना, इनका कलेजा फूट फूट के आ रहा है। करनी सेना वाले सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से समझ लो कितना बड़ा आपके साथ अपराध होने वाला है। वो लोग जिन्होंने मूछ रखने पे मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा, गला दबाया, गला घोटा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करी, आपके बच्चों को मारा, शमशान घाट में अर्थी तक जलाने नहीं देते, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कितने हमारे। तो मेरा आप सबको यही कहना है, अभी जितनी भी भाजपाइयों संगियों, आपको मेरे यही कहना है कि, और जजेस जो संघ अंदर मनु लेकर बैठे हैं, जो मनु का संविधान पढ़ के आते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, हमारा समाज जो पीछे रह गया, प्लीज जितनी पोस्ट
अभी आप भर रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेटरल एंट्री एज वेल एज कॉलेजियम सिस्टम एज वेल एज द पोस्ट इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग या फिर वो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, आप जनरल कैटेगरी की आने वाले दो साल कोई पोस्ट नहीं भरोगे, सिर्फ और सिर्फ आने वाले दो साल आप सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को पोस्ट दोगे, सारा बैकलॉग क्लियर करोगे। हमारी किसी चीज की लड़ाई है, हमारी सिर्फ बैकलॉग की अधिकार लड़ाई है। जितनी सीटें आपने हमें नॉट फाउंड सूटेबल किया, अभी आने वाले दो साल सड़कों पे निकलेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट करेंगे, लड़ेंगे और कोई भी एक भी इंसान को जनरल कैटेगरी पे परमानेंट नहीं होने देंगे। अब हम अपनी सीटें लेके आएंगे, बताते हैं घर घर से एक एक शेड्यूल ट्राइब का, एक एक हमारे वाल्मीकि भाई को, दानक समाज के भाई को, चुमार समाज के बच्चे को पढ़ा के स्कूल भेजना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। आओ पढ़ो, तुम्हारी नौकरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वेट करी है, आओ पढ़ो जेएनयू में तुम्हारी नौकरी वेट करी है, वो सीट खाली रहेगी, तुम उन सीटों पे पढ़ाओगे नहीं, तुम उन सीटों का कब्जा नहीं करोगे, दिस इज आवर राइट। और 85% अब तुम्हें बताएगा, 15% क्या, अब तो 15 भी नहीं रहे अकॉर्डिंग टू बिहार सेंसस, तो अब तुम्हें हम बताएंगे 92% तुम्हें कैसे दिखाता है देश किसका है, मूलभूत चीजें किसकी हैं, हमारी हैं। और हम जैसे, सुनो, क्लासिफिकेशन मतलब क्या है ना, हम जैसा युवा जो पढ़ लिख गया बोल रहा है ना आगे आके, इनका मुंह बंद करो, इनका मुंह तभी बंद होगा जब कब्र में जाएंगे, इनका मुंह से पहले बंद नहीं होगा, है दम तो करके दिखा दो। लेकिन बिहार में आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज हुआ है, उसको कैसे देखते? वेरी शेमफुल उन्होंने जो किया वो, उसमें भी आई एम श्योर अंदर कोई मनुवादी बैठा होगा अफसर, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि दलित इतना जागरूक हो गए। दलित कभी भी कोई इंसान शोषित वर्ग एससी एसटी ओबीसी ये कभी भी इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते, असंवैधानिक तरीके से काम नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये कभी भी मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, दे विल ऑलवेज मेंटेन पीस। मेरा धरना 6 महीने से ऊपर चला, किसी ने भी 1% उग्र माहौल नहीं दिखाया, जबकि पुलिस ने 10-10 बार डिटेन किया। अंत में धरना इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि 140 धारा वहां लगा दी और नो FIR मेरे पे की और मेरे साथियों पे करी है, और इस तरीके से हमें परेशान किया। हम लोग इसलिए वहां से हटे क्योंकि उन्होंने अब हमारे साथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, हम जाते थे तो पानी बहाना, गंगा जल करना। तो मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जो लाठीचार्ज हुआ है इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है डराने के लिए, क्योंकि लोगों से उनका वो जन सैलाब संभाला नहीं जा रहा होगा। पर खाई पैदा जो होगी समाज में उसको कैसे मिटाया जाएगा? खाई पैदा नहीं हो रही, उन्होंने खाई बनाई है आपको दिखाने के लिए, जो दिखता है वो बिकता है, वो बेच रहे हैं, मीडिया पॉपुलर प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोग उसको खरीद रहे हैं, हम खरीदना बंद कर देंगे। हमारी कल भी मीटिंग हुई, सारे समाज के लोग, अधिकतर मेरी टीम में सब समाज के लोग हैं, हम सब हैं एक साथ, हम सब बहुत खुश हैं, हम सब समझ रहे हैं कि आज हमारे हितेशी कैसे हो गए। विरोध किसका है, सरकार का है, जजमेंट का भी सरकार का तो है ही भाई, सरकार का तो तब से जब से कुर्सी में बैठी है, तो जजमेंट का विरोध तो है ही सरकार का सबसे पहले, क्योंकि माननीय साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जो सरकार ये काम खुद नहीं करेगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज़ दे देमसेल्फ आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे। तो जो काम खुद नहीं करना उसमें कोर्ट को गुस्सा, तो भैया हमने नहीं किया, कोर्ट ने किया, ये बात मैंने आज से 6 से 7 साल पहले बोली थी और आज वो बात पूरी हो रही है। लेकिन बार बार पंजाब के एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वहाँ पर ये पॉलिसी लागू थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आया समाज। ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई भी पॉलिसी वहाँ इन एक्चुअल इन पेपर्स लागू नहीं थी, ड्रामा है जो आप यहाँ सुनते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर।